अब रुख करते हैं पेशावर का, जहां हल्का पीके आदमी ज़मीनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं। पोलिंग के दौरान बदनस्मी और कशीदगी के वाकयात भी रोनुमा हुए। दिन भर क्या सूरत हाल रही जानते हैं वहां पर मौजूद 24 न्यूज के नुमाइंदे आरिफ हयात से। आरिफ, हमने देखा कि कशीदगी भी देखने में आई, ओवरऑल अगर देखा जाए तो टर्न आउट कैसा रहा? जी बिल्कुल, ओवरऑल जो टर्न आउट है तो ज़्यादातर ख़वातीन के जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उस पर काफ़ी कम रहा है। इसी तरह के 2 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर ख़वातीन को काफ़ी बदनज़मी का सामना करना पड़ा, जिसमें नासा पपायान का जो इलाका है, जो मलिक तमाज खान का अपना आबाई इलाका है और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी हैं इस इंतखाबात में, तो वहाँ पर ख़वातीन से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी सियासी जमातों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं, ख़वातीन और मर्द दोनों, तो वो काफ़ी इनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं और इनको जल्दी जल्दी फारिग करने की जकड़ में जनन को बाहर निकालते हैं, तो वो वोट सही तरीके से वहाँ पर कास्ट नहीं हुई। दूसरा जो कशीदगी जो सामने पेश आई, तो वो इलाका है गड़ी खजाना बाला का, जो ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है और मर्दों का भी है, मुश्तरक का ये पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर 1100 ख़वातीन और 1100 मर्दों के वोट हैं और जिस वक्त 2 बजे के करीब यहाँ पर कशीदगी सामने आई, तो वहाँ उस वक्त तक ख़वातीन ने सिर्फ और सिर्फ 7 वोट पोल किए थे। अभी सूरत हाल है कि अभी यहाँ पर तकरीबन उससे ख़वातीन का टर्न आउट तो उतना नहीं रहे क्योंकि इसमें तकरीबन 2 घंटे का ब्रेक आया हुआ था। अभी ख़वातीन ने दोबारा यहाँ पर वोट पोल करना शुरू किए हुए हैं, जिसका शाम तक बाकायदा तौर पर पता चल जाएगा कितने वोट यहाँ पर उन्होंने कास्ट किए हुए हैं ख़वातीन के। लेकिन ज़्यादातर ओवरऑल देखा जाए तो ख़वातीन को काफ़ी जो है बदनज़मी का सामना करना पड़ा है और यहाँ पर अंदर को तंग किया जाता था कि वो वोट ना डाले। इस इलाके में ये रिवायत रही है कि इससे पहले भी यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात और जो आम बलदीय इंतखाबात और आम इंतखाबात जितने भी माजी में हुए हैं, तो ख़वातीन को इस तरह की बदमजगी और बदनज़मी का सामना करना माजी में भी पड़ा है। जो मर्द हजरात हैं तो उनके जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर तो सूरत हाल ठीक रही, किसी जगह पर हंगामी सूरत हाल नहीं हुई और जितने भी हसास पोलिंग स्टेशन थे तो वहाँ पर जो है कमाल। आरिफ हयात, आप हमें अपडेट कर रहे थे।